जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सनातन, जय भगवान धन्वंतरि। आज एक बड़ा टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाइल्स। पाइल्स नू अही किस तरह ठीक करिए, पाइल्स ना बहोए एदे लई अही की करिए। पाइल्स दा सारे नालों वड्डा कारण है कबज दा रहना, जोड़ी लैटरिंग पास आउट नहीं होंदी। हार्ड लैटरिंग है स्टूल तुहाडा, टैनल कवज की शिकायत दिंदी है। जेडे मेरे मित्रगण अज आई टी सैक्टर च काम करने वाले बच्चे, 12-12, 13-13 घंटे लगातार काम करते हैं, उन्होंने पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। उन्होंने मेजॉरिटी उन्होंने विचों पाइल्स की प्रॉब्लम्स होंगी, एनोरेक्टल फिसर्स, फिस्टुला, पाइल्स दे हैमराइड्स बड़े कॉमन। मैं अपने सारे भारत वासियों नू एदे लई अपील करना, जिहड़े लोग ज्यादा देर तक सिटिंग करते हैं, बिच बिच उठ के थोड़ी जी सैर करो, थोड़ा चलो, ब्रिस्क वाकिंग करो, फिजिकल एक्टिविटी नू जरूर बधाओ। जंक फूड जिहड़े अजकल बड़े प्रचलित हैं, इन्हां नू बंद कर दो, जंक फूड नू बंद कर दो। अपनी डाइट च कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिहड़े अजकल फैशन बन गया है, थम्स अप, लिमका, माचा, रियल, बंद कर दो मेरे मित्रों। अपनी डाइट च फिजिकल एक्टिविटी नू बधाओ, अपनी डाइट च पानी खूब पियो, अपनी डाइट च फाइबर ज्यादा बधाओ। फाइबर किहदे च है? फ्रूट्स से वेजिटेबल, सलाद खूब खाओ। कहदे नाल बवासीर मुक्त भारत बनेगा, बवासीर मुक्त राष्ट्र बनेगा। अही बवासीर तो मुक्ति पावांगे। लैटरिंग करन लगे ज्यादा जोर ना लाओ। जेड़े मेरे वीरां नूं बवासीर पहला ही प्रश्न करा चुके हन, इस सब गोल दा एक पाउच रोज लैन, ताकि बवासीर नूं अही इहदा हिंदुस्तान दे विच नामो निशान मिटा सकीए। जय हिंद, जय भारत।